खंड में मेरी यात्रा चालू है। डिडीहाट में मलयनाथ पहाड़ी पर सिराकोट मंदिर का दर्शन करके मलयनाथ स्वामी को माथा टेक के अब मैं यहाँ थल आया हूँ। थल एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से एक मुंशियारी रोड जाता है, पिथौरागढ़ भी जाया जाता है, आगे बागेश्वर उस साइड में भी यहाँ से जाया जाता है। तो यहाँ से मैं बैरीनाग जाऊँगा, वहाँ बैरीनाग के दर्शन करूँगा। पर आज मैं यहाँ बालेश्वर में जो मंदिर समूह है, शिव मंदिर समूह, थल में बालेश्वर महादेव मंदिर समूह, वहाँ आया हूँ। जैसे चंपावत में बालेश्वर महादेव मंदिर समूह था, मंदिर समूह, ऐसा ही यहाँ पर पुरातन मंदिर है नदी किनारे, शिव पार्वती कार्तिक गणेश की मूर्ति और ये माता जी की मूर्ति, और ये है बालेश्वर महादेव। यहाँ लोग पूजा पाठ कर्मकांड पितृ तर्पण वो विधियाँ चालू है अभी यहाँ, और आते हैं दूर दूर से लोग बाहर से। अब देख सकते हैं बाहर का भी मैं दृश्य दिखाऊंगा, पर पहले मैं अभी कोई यहाँ है नहीं तो सुंदर तरीके से यहाँ अंदर का दर्शन। अखंड ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित है। एकदम हटके मंदिर है। यहाँ दीवारों में पुरातन मूर्तियाँ है, मैं आप ही वो दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ दीवारों में ये तो कोई जय विजय मतलब पहरेदार का कोई स्वरूप लग रहा है। हाँ ये पहरेदार है, हाँ दोनों साइड है, हाँ ये दूसरी साइड, ये जय विजय, और ये गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, और ये दीवारों में जो मुझे हनुमान जी, ये तो काश्य की मूर्ति है पंचधातु की, पर ये जो दीवारों में मूर्तियाँ हैं ये विविध देवताओं की मूर्ति है। ये तो गणेश जी लग रहे हैं, भाई गणेश जी है, और ये देवी की मूर्ति, ये भी देवी की मूर्ति है, बहुत पुरातन है दीवारों में। ये कोई देवता की प्रतिमा है, ये बेल पर बैठे शिव जी, वाह नंदी पर सवार शिव जी का प्रतिमा है। ये राम लक्ष्मण और ये हनुमान जी, हाँ ये हनुमान जी है और ये राम लक्ष्मण जी, क्या बात है। ये गज लक्ष्मी हाथी है और ये लक्ष्मी जी, क्या बात है, कितना सुंदर यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं। ये भी गज लक्ष्मी, ये कमल पर सवार देवी है कोई, वाघ सवारी दुर्गा, शेर सवारी दुर्गा, ये भी माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, ये सब माँ दुर्गा है, शेर सवारी, विविध स्वरूप है माता के यहाँ पर। ये भी शेर सवारी, अनेक मूर्तियाँ हैं एक जैसे, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रकृतियाँ यहाँ मूर्तियों में हैं। पुरातन मंदिर आप देख सकते, पूरा पत्थर का बना हुआ है, ये थाम लिया है पत्थर की, और यहाँ पर भी मूरा मूर्तियाँ है, विजय विजय और गणेश जी, गणेश जी, तीन जय विजय के उस लेफ्ट साइड में भी तीन गणेश जी है, यहाँ पे राइट साइड में भी तीन गणेश जी है, और ये दुर्गा माता जी का, तो ये भी माता जी का स्वरूप है। ये हनुमान जी, अद्भुत, ये शनिदेव, सुंदर मंदिर है। अब मैं बाहर का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा, सुंदर मंदिर का बाहर का मैं दृश्य दिखा दे रहा हूँ।
पुरातन मंदिर है बालेश्वर महादेव, आप देख सकते हैं। ऊपर जो मंदिर की छत पे जो बना है लकड़ी का, ये बर्फ से बचाने के लिए, ऊपर बर्फ पड़ेगी नीचे गिर जाएगी, मंदिर पे नहीं जाएगी। पूरा उस पर मतलब पीठ बनाया हुआ आप देख सकते हैं, ऐसा कम देखने को मिलता है। ये कुमाऊनी शैली है और एक शेर की प्रतिमा, सिंह की प्रतिमा आप देख सकते हैं। पूरा पत्थर एक ही पत्थर से, बालुआ पत्थर से बनाया गया। यह ऊपर से सब देख भी सकते हैं, राजाशाही में जो महल बनते थे, जो जरूखा होते थे बारियां, ऐसा है। एक परकोटा यहाँ, ये रसोई घर है यहाँ भगवान का। कुछ खंडित मंदिर भी है यहाँ पर, ये भी खंडित है और ये भी मंदिर है। ये प्रवेश द्वार, ये हनुमान जी का है, ये ढूंढा है। आगे भी एक शिव मंदिर नया बना हुआ है। अब आगे से दिखा रहा हूँ मैं, एक बंदर ऊपर चढ़ा हुआ है देख सकते हैं। वो तो कहीं भी जा सकता है, हनुमान जी है ये। जय विजय। और यहाँ पर नीचे नदी है, शमशान है, यहाँ चिताएं जलती रह रही। देखो ये नदी है, ये गांव में जाने का थल में ब्रिज, यहाँ भी बाजारी साइड, वो साइड भी बाजार है, लोहा का लोखंड का ब्रिज है। और ये नदी, और यहाँ पर दो चिताएं अभी चलने को तैयार कर रहे हैं और शव भी पड़े हैं। कुछ लोग वहाँ अग्नि संस्कार के लिए आए हैं और आगे एक अग्नि संस्कार चालू है। देखो यहाँ चालू ही रहता है, उत्तराखंडों में नदी किनारे रहे ही होता है। दो यहाँ भी चालू है, तैयारी हो रही है शव की। ये दूसरी शव की तैयारी, ये दूसरे दो है, एक साथ चार शव लाए गए हैं। कल यहाँ आगे एक गाड़ी खाई में गिर गई थी डीडी हाट जाते हुए कल, तो चार लोग मर गए थे। मुझे लग रहा है शायद उसी लोग एक साथ यहाँ चारों को और अग्नि संस्कार हो रहे हैं, लोकल लोग थे, या तो अलग भी हो सकते हैं। नदी का तेज बहाव यहाँ, पिता का धुआं देख के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो रहा है। विशाल नदी के पट में यहाँ अग्नि संस्कार चार लाशों के एक साथ हो रहे हैं, वैराग्य भूमि है। बालेश्वर महादेव, हाथी पर सवार शेर है, हाथी को नीचे दबोया हुआ है, ऐसी मूर्ति अद्भुत मूर्ति। मुझे तो ये अच्छा लगा, ऊपर जरूर खड़े। और यहाँ दीवारों में भी फूल लगे हैं दोनों साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पूरा पत्थर का ये मंदिर है। और भी यहाँ मंदिर है जो कि खंडित है, एक हनुमान जी का चालू है। बालेश्वर मंदिर के बाहर थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा नंदी है, यहाँ मंदिर में नंदी नहीं है और यहाँ है गेट के पास बहुत बड़ा नंदी है, व्हाइट कलर रंग के काले सिंह। ये नदी में जाने का रास्ता है, यहाँ विधियाँ चल रही है कर्मकांड की, यहाँ की सिस्टम जो घंटियाँ लगाने की वो चालू है। सब जगह मन्नत की घंटियाँ और ध्वजा, सफ़ेद लाल काली यहाँ ध्वजा लगाई जाती है। भैरव को काली ध्वजा होती है, काल भैरव, हर मंदिरों में काल भैरव होते हैं, यहाँ पूजनी मानते हैं बहुत ही भैरव बाबा को। ये भैरव बाबा का ही स्थान है, शिवलिंग स्वरूप यहाँ होते हैं भैरव।
और यहाँ कर्मकांड चालू है। बालेश्वर मंदिर के दर्शन करके खूब खुशी हुई। उत्तराखंड में एक से एक दर्शन, ये बाजार है मुख्य, यहीं से सस्ता है एक गेट से। जय हो बालेश्वर महादेव की जय।